नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश लाइव और मैं हूं आपके साथ अनु। नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख समाचारों पर। चुनाव प्रचार को मद्देनजर रखते हुए 14 नवंबर को पीएम मोदी जनसभा करने बैतूल पहुंचेंगे। उनकी इस रैली को देखते हुए बालाजी कॉलेज के पास पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा 3 अलग अलग हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। ये हेलीपैड 100x100 मीटर के एरिए में रहेंगे। एक हेलीपैड 15 मीटर के रेडियस के अंदर रहेगा। तीनों हेलीपैड के बीच 50 से 60 मीटर की दूरी होगी। हेलीपैड के निरीक्षण के लिए SPG तैनात रहेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का असर दीपावली पर देखा जा रहा है। बाजार में महंगाई की वजह से खरीदारी पर भी असर पड़ रहा है। बाजार हुआ मंदा, बढ़ी महंगाई, लोगों की खरीदारी पर हुआ असर। सजावटी सामान में आया 15 से 25% का उछाल। बता दें कि PVD कोटिंग वैरायटी, थर्मोवेयर एवं कॉपर बेस्ड बर्तन डिमांड में है और इसकी खरीदारी की जा रही है। मध्य प्रदेश में मौसम में आएगा बड़ा बदलाव। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले सप्ताह में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। वहीं बीते 24 घंटों की बात करें तो भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर और रीवा संभाग के जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहा, तो वहीं अन्य संभागों में जिले का तापमान सामान्य बना रहा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर शिवपुरी सीट पर नहीं थम रहा विवाद। कांग्रेस नेता KP सिंह को टिकट मिलने पर नाराजगी देखी जा रही है। कांग्रेस पार्टी के दावेदारों का कहना है कि KP सिंह ने छल करके टिकट लिया। दरअसल भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए वीरेंद्र रघुवंशी को टिकट नहीं मिलने पर उनके साथियों ने जमकर हंगामा किया। मंडला की ओर जा रही विजयंत ट्रेवल्स की बस खड़े ट्रक में जा घुसी। बस नागपुर से मंडला जा रही थी। दीपावली पर घर जा रहे मजदूरों का हुआ एक्सीडेंट। अभी की खबरों में इतना ही। मध्य प्रदेश की खबरों को जानने के लिए बने रहिए स्वदेश लाइव के साथ। नमस्कार।